हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आजकल मैं एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैं चली गई थी पालनगर्ग से मेकअप सीखने एंड फिर मैं अपने घर पे आई हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ब्रेक चाहिए था मुझे। अब मैं ट्राई करूँगी फिर से एक्टिव होने का। आज मैं करने वाली हूँ अपना पहला करवा चौथ का मेकअप लुक। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ होने वाला है। अभी तक मैं करवा चौथ का फास्ट नहीं करती थी, इस साल मैं फर्स्ट टाइम करवा चौथ का फास्ट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज मैं लेंस पहनने वाली हूँ। ये लेंस फेस लुक के हैं इन द शेड ग्रे। रखना है फाइनली लेंस लग चुका है। मेरी आई लाइक पहले से ही थोड़ी खराब है, मुझे दूर सा नहीं दिखता है, तो आई हैव लिटिल बिट प्रॉब्लम। और वैसे भी अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम लेंस लगाते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है लेंस लगाने के बाद, सो दैट्स टोटली ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज ऑलवेज, मॉइस्चराइजर। मेरे स्किन इस टाइम ऑयली हो रखा है, मैं नॉर्मल स्किन टाइप को मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइज अच्छे से करना है। जब तक मॉइस्चराइजर अपने स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होगा तब तक हम लोग आई मेकअप कर लेंगे। साथ ही हम लोग लगा लेते हैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम। और लिप बाम मैं हमेशा की तरह आज भी लानेज का यूज़ कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मुझे ये सारी मार्क्स है, कुछ टाइम पहले मुझे रिएक्शन हो गया था किसी प्रोडक्ट का, तो उसकी वजह से ये सारी मार्क अभी तो चले गए, पहले पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विजिबल थे। सो आज हम लोग उसको कंसील भी करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से। मैं आई बेस ली हूँ और उसको अच्छे से इमल्सीफाई करके हाइड से वॉर्म करके अपने आई लिप्स पे लगा लूँगी अच्छे से, सो दैट ये इवनली स्प्रेड होकर मुझे इवन टोन स्किन दे और मैं जो भी कलर अप्लाई करूँ वो पॉप हो गया है। ये नज़ारा डार्क है, नज़ारा लाइट है। थोड़ा सा कोई सा भी लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर दीजिए, स्मूद आउट करिए और उसे प्रेस कर लीजिए अपने आई लिड्स पे, सो दैट क्रीज ना आए और आपका नीचे का बेस सेट हो जाए। सेम सेकेंड आइज पे भी करना है। आराम से करिएगा वरना लेंस निकल भी सकता है, अगर ज़्यादा तेज से प्रेस करेंगे और आपके आँख में आंसू भी आ सकते हैं। मैं आज टोटली ब्राउन एंड गोल्ड पे करूँगी अपने आई मेकअप, तो अच्छी कैसा होता है। आई मेकअप के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का एम्पावर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे। ये मीडियम साइज़ का है। एक ट्रांजिशन कलर के लिए कोई भी लाइटर ब्राउन ले सकते हैं, तो मैं ये ले रही हूँ पावर। उसे अपने क्रीज पे और अबव द क्रीज ब्लेंड कर देंगे ट्रांजिशन के लिए। एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे उससे, तो उससे डार्कर कलर लेंगे, तो मैं उससे डार्कर कलर ये ले रही हूँ। कलर का नाम है बेस्ट सेल्फ। उसको सिर्फ अपने क्रीज पे ऐसे ऐसे ब्लेंड कर देना है ताकि हम लोग का क्रीज डिफाइन हो जाए। और इनर कॉर्नर को नहीं भूलना है, इनर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करना है। जब ये ब्लेंड हो जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा, क्रीज विजिबल हो रही है। हम लोग को लाइंस नहीं क्रिएट करने हैं, हम लोग को सारा आई मेकअप एकदम ब्लेंडेड चाहिए।
अब इससे डार्कर कलर लेंगे। उससे डार्कर कलर के लिए मैं ये कलर ले रही हूँ और उसको भी वही पे थर्ड क्रीज की तरह फॉर्म करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कमेंट में बताइए आप लोगों से कितने लोग का फर्स्ट करवा चौथ है ये। आप लोग करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, उसमें इससे भी डार्कर ब्राउन लेंगे जैसे कि ये, उसको इनर में और आउटर में प्लेस करते करते ब्लेंड करेंगे। और दोनों आईज की पिगमेंट सेम होनी चाहिए और धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए कलर्स को। एक साथ बिल्ड करने से खराब हो सकता है। आप लोग इसको कट करेंगे। अच्छे से प्रेस करके लगाना है प्राइमर को, बस ऊपर ऊपर से लेयर नहीं फॉर्म करना है। स्किन प्राइम हो चुका, अब करें करेक्टिव। तो मेरे अराउंड द माउथ डार्कनेस है, मेरे अंडर आईज डार्कनेस है, मेरा ये फोरहेड टैन है, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे अपना कलर करेक्टिव। ऑरेंज कलर के हम लोग करेक्टर लेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे अपने से डोटोन डार्कर कंसीलर से। जहाँ नीड हो वहीं पे कंसीलिंग करेंगे, अगर नीड नहीं है तो जबरदस्ती कंसीलिंग नहीं करेंगे। अब
आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हाथ से उसे इमल्सिफाई की थी, उसे वॉर्म कर दी थी, तो इसलिए हाथ यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, हल्के हाथ से ब्लेंड कर देंगे। फाउंडेशन ब्लेंड कर देते हैं। फाउंडेशन मैं फीजी और पंजाब मिक्स करके लगाई हूँ। नाज का फाउंडेशन ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी हूँ। सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था, मैं ध्यान नहीं दी फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त। बेस सेट करने के लिए मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन का लाइट लूज पाउडर, वो अप्लाई करूँगी पिज़्ज़ा पफ से, थोड़ा सा लेके स्मूथ आउट करके अच्छे से। स्मूथ आउट इसलिए करते हैं कि एक जगह ढेर सारा प्रोडक्ट एक साथ न लग जाए, और नेक को भी सेट करना जरूरी है। आप लोग अपने अंडर आई पे इसलिए बेकिंग पाउडर लगा दिए हैं कि जो भी फॉल आउट हुआ अंडर आई करते वक्त वो पाउडर पे हो।
and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye-bye.